हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव, आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज फिज़िक्स का न्यूमेरिकल देखते हैं, तो आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। तो पहला क्या बोल रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, वो ग्राम है केजी नहीं, ग्राम इज फाउंड टू पास 2.30 मीटर अपार्ट इन अ इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इफ़ इट मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड। एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है और वो दो पॉइंट को पास कर रहे हैं जिसके जिसके बीच का जो गैप है वो 30 मीटर है, और उसको पास करने में आपको 4 सेकेंड लग रहे हैं। तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है उस बुलेट की, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो पहले यम लिख लेते हैं, यम मतलब मास कितना है, 20 ग्राम। तो ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 20/1000 करेंगे तो इतना आएगा। और वेलोसिटी हम कैसे निकालें, आप जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 30 था और टाइम मतलब टी 4 था, तो ये 15/2 आ गया, तो 7.5 स्पीड यानी कि वेलोसिटी आ गया। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो फिर हाफ, और फिर इस देखिए आप हाफ की जगह हाफ, एम कितना था 2/100 और 15/2 वी वेलोसिटी, इसको 15/2 या फिर 7.5, लेकिन इसको ऐसे सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी इसीलिए ऐसे लिखा गया। तो फिर इसी कट गया और फिर इससे 400 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 15 × 15 तो 225 आ गया, और 400 से मतलब डिवाइड करेंगे इसको तो 0.5625 आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। और सेकेंड वाला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहा है, द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 kg इफ 500 kg मीटर सेकंड फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी है जिसके मोमेंटम मतलब उसके मास का मोमेंटम 5 kg और उसका मोमेंटम 500 kg, तो उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी। आप ये वाला रिलेशन तो जानते होंगे, जब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है मोमेंटम यानी पी एम बी, तो इसका रिलेशन पी स्क्वायर अपॉन 2m आता है। तो बहुत सिंपल सा है, m आपने लिख लिया 5 kg और मोमेंटम 500 kg मीटर सेकंड, और काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी स्क्वायर मतलब 500 × 500 स्क्वायर था, और 2 × और m 5 था, 5 से कट गया 100 टाइम्स, और ये 2 से कट गया 250 से, इसका मल्टीप्लाई करें तो 25,000 आ गया। या फिर आप इसको पावर में भी लिख सकते हो, 25 × 10 की पावर 3 ऐसे भी ठीक है।